कैबिनेट की बैठक हुई और फिल्म जगत से, कलाकारों से और फिल्म प्रशंसकों से जुड़े हुए एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत उस पर पानी फिर जाता था। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेकर बाकी ऐसे सुझाव समय समय पर आ रहे थे, जो रिडंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। और मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया हजारों की संख्या में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी, हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी के उसके बाद कुछ सुझाव आए, हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से, और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसको भी इसमें शामिल किया है ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है, RRR फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो, या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है।